हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ फालूदा की रेसिपी। यहाँ पर मैंने मिक्स मैंगो फालूदा लिया है। ये 200 ग्राम का पैकेट है जो बाजार से आसानी से मिल जाता है। इसमें कई फ्लेवर आते हैं, रोज फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है। आज हम मैंगो फालूदा बनाएंगे। बनाने में बिल्कुल आसान है और बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट आता है। ये एक पैकेट के लिए 1 लीटर दूध लगता है। यहाँ पर मैंने एक मैंगो लिया है जिसका हम बाद में यूज करेंगे। बादाम मिक्स लिया है, MTR के पैकेट है, जो हमारे फालूदा के टेस्ट को बढ़ाएंगे। शुगर ली है 3 से 4 बड़े चम्मच। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमें मीठा खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें शुगर का यूज़ कर रही हूँ। गैस पर हमने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। पैकेट मैंने खोल लिया है। पैकेट को खोलते ही इसमें मैंगो की इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। गर्मियों में बच्चों को कोई भी ठंडी चीज देनी हो तो आप इसको जरूर ट्राई करना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम फालूदा का पैकेट डाल देंगे। फालूदा हमारा अच्छे से पक रहा है। इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम इसमें वनीला एसेंस की 4-5 ड्रॉप डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए और आइसक्रीम का टेस्ट भी आए। यहाँ हमने मैंगो को भी छोटे छोटे क्यूब शेप में कट कर लिया है। ठंडा होने के बाद इसको हम यूज करेंगे। जो बाजार से हम ये पैकेट लेकर आते हैं फालूदा प्रीमिक्स का, इसमें कई तरह की चीजें डाली होती है। इसमें सब्जा सीड्स भी होते हैं, सेवई भी होती है, जो बबीनो होते हैं वो छोटी छोटी सेवई डाली होती है, फ्लेवर डाला होता है। जैसे हम मैंगो का लाए हैं तो इसमें मैंगो फ्लेवर डाला हुआ है, इलायची का टेस्ट आता है, और इसको गाढ़ापन लाने के लिए इसमें ग्लूटेन होता है जो वीट फ्लावर का बना होता है। ये हेल्दी है और टेस्टी भी है। दूध को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये गाढ़ा हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद मिलते हैं। तो देखिए, फालूदा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम सर्व करने के लिए एक खाली बर्तन लेंगे और इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसको हमने फ्रिज में भी अभी 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखना है। अब जो मैंगो के पीस हमने काट कर रखे थे उसको हम इसके बीच में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें आइसक्रीम या आप कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इसमें मैंगो के पीस और बादाम मिक्स जो हमने पैकेट रखे हुए थे वो ऊपर से डाल देंगे और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मैंगो फालूदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही यम्मी सा मैंगो फालूदा रेडी हो चुका है। आप इसको फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए ठंडा कर आप इसको खा सकते हो। खाने में बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल आसान रेसिपी है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।